हेलो एवरीवन मैं सृष्टि श्रीवास्तव टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर मैं आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है नवजात शिशु की देखभाल इसके साथ जुड़ी हुई हूँ तो चलिए समझते हैं कि नवजात शिशु क्या होते हैं किसे कहते हैं नवजात शिशु ये वर्ड क्या है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से इसकी देखभाल करेंगे तो सबसे पहले तो सभी लोग बस केवल अपने बच्चों को ध्यान में रखेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको समझते चले जाएंगे बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है आपके आसपास आपके भाभी के मम्मी के या फिर किसी भी छोटे बच्चे को बस ध्यान में रखिएगा कि वो किस प्रकार की हरकतें करते हैं या फिर आप उनकी किस प्रकार से देखभाल करते हैं ठीक है तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा चलिए समझते हैं क्या समझते हैं नवजात शिशुओं की देखभाल हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले ये समझिए कि नवजात शिशु कहते किसे हैं ठीक है सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नवजात शिशु किसे कहते हैं तो समझिएगा कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है ठीक है अलग अलग परिभाषा दी है कोई कहता है जन्म से लेकर के पंद्रह दिन की अवस्था होती है कोई कहता है एक महीने की होती है तो सभी ने अलग अलग अपने विचारधाराओं को स्पष्ट किया है अगर हम हरलॉक की बात करें ठीक है किसकी बात करें अगर हम बात करें किसकी हरलॉक की तो हरलॉक ने क्या कहा है समझिएगा ठीक है हरलॉक ने क्या कहा है हरलॉक ने कहा कि नवजात शिशु कौन होते हैं जो कि जन्म से लेकर के ठीक है जो कि जन्म से लेकर के कब तक इनकी एज होती है दो सप्ताह इन्होंने नवजात शिशुओं की को कब से कब तक माना जन्म से लेकर के दो सप्ताह के बीच के जो बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं उन्हें ही नवजात शिशु कहा गया है ठीक है लेकिन विभिन्न प्रकार के और विद्वानों की बात करें तो उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड बताया जैसे मैं बात करूं किसकी मैं बात करूं कौल सैनिक की किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं आपसे कॉल सैनिक की तो इन्होंने क्या कहा है इन्होंने अलग ही कथन बता दिया ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने अलग कथन बताया इन्होंने जो है इसके ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने अलग कथन बताया कुछ और विद्वान थे कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा जिन्होंने क्या कहा जन्म से लेकर के ठीक है जन्म से लेकर के 30 दिन कितना जन्म से लेकर के तीस दिन ठीक हरलॉक ने कितना बताया हरलॉक ने बताया जन्म से दो सप्ताह यानी कि आपका कितना हो गया ये पंद्रह दिन हो गया कॉल सैनिक ने कहा कि ये आपके जन्म से तीस दिन की अवस्था होती है तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा तीस दिन मतलब वही तीन से चार सप्ताह इन्होंने मुख्यतः ये कहा कि भाई तीन से चार सप्ताह होता है ठीक है तीन से चार सप्ताह यानी कि आप मान सकते हैं ठीक है एक अनुमानित अगर हम लेकर के चले तीन से चार सप्ताह को तो आप कह सकते हैं जन्म से लेकर के तीस दिन तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें कही है, बहुत सारे ठीक है बहुत से विद्वानों की अगर हम बात करें तो बहुत से विद्वानों ने ये कहा कि ये आपकी जन्म से तीस दिन की ही अवस्था होती है ठीक जन्म से तीस दिन की ही अवस्था होती है तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कॉल सैनिक की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भाई जन्म से लेकर के तीस दिन यानी कि मुख्यतः अगर हम इनका स्टेटमेंट अगर अकॉर्डिंग ले चले तो वो तीन से चार सप्ताह ही बोलते हैं ठीक है तीन से चार ही बोलते हैं तो एक हम अनुमान अगर लेके चले तो हम कह सकते हैं ना कि जन्म से तीस दिन ठीक है लेकिन अगर हम मुख्यतः लेके चलेंगे तो इन्होंने तीन से चार ही कहा है तो ये थे कुछ स्टेटमेंट जिन्हें आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे नवजात शिशु की ठीक है किसकी नवजात शिशु की तो ऐसे समझिएगा अगर हम क्या बोल रहे हैं नवजात बोल रहे हैं अब चलिए इसको थोड़ा सा संधिविक्छेद करते हैं और आपको समझाते हैं इसका अर्थ ठीक है अगर हम नवजात को विच्छेद करें तो क्या होगा भाई इसको हम कह सकते हैं ना नव धन जात और फटाफट से बताइए नव का मतलब क्या होता है तो आप सभी जानते हैं नव का मतलब होता है क्या नव का मतलब होता है नया है ना नव का मतलब क्या होता है नव का मतलब होता है नया तो आप कह सकते हैं ना कि वह व्यक्ति या यहाँ पे तो शिशु की ही बात हो रही है तो नवजात का मतलब क्या हो गया नया शिशु जो अभी अभी जन्म लिया है जो अभी अभी माता के गर्भ से बाहर निकला हुआ है नया नवेला है ना जैसे नए बच्चों की मतलब जो जन्म लेते हैं बच्चे उनकी बात यहाँ पे की जा रही है तो यहाँ पे क्या कहा गया नव मतलब नया तो आप क्या कह सकते हैं नया शिशु ठीक है आप क्या कह सकते हैं नया शिशु यानी कि जिसने अभी अभी जन्म लिया है जन्म लेने वाला जिसने क्या किया है जिसने अभी अभी जन्म लिया है यानी जन्म लेने वाला तो ये आपके ठीक है ये आपके जन्म के पश्चात की प्रथम अवस्था होती है ठीक है नवजात शिशु जो हम बोल रहे हैं ये क्या है ये जन्म के पश्चात की प्रथम अवस्था है जन्म के पश्चात की जन्म के पश्चात की क्या है जन्म के पश्चात की प्रथम अवस्था ध्यान से समझिएगा जन्म के पश्चात की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज कौन सी नवजात प्रथम अवस्था ठीक है प्रथम अवस्था होती है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा चलिए अब ये आपको जन्म के पश्चात की क्या है ये प्रथम अवस्था होती है और जो बच्चा जन्म लिया उसे हम क्या बोलेंगे जिसने जन्म लिया उसे हम नवजात शिशु के नाम से जानते हैं तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जिसने जन्म लिया उसे क्या कहेंगे उसे आप नवजात शिशु कहेंगे ठीक है जिसने जन्म लिया उसे क्या बोलेंगे उसे आप नवजात शिशु बोलेंगे तो नवजात यानी कि नवधन जात जात मतलब जात की हुआ नव का मतलब हुआ नया यानी नया शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है और जन्म के पश्चात की ये आपकी प्रथम अवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम नवजात शिशु के नाम से जानते हैं आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी राइट right. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे कुछ आगे और आपको अगर हम बताएं कि जन्म के पश्चात की ये जो अवस्था होती है इसे हम दो भागों में पढ़ते हैं दो भागों में इसका वर्णन किया गया है चलिए समझते हैं उन्हें क्या कहा गया है ठीक है तो पहला जो वर्ड है आपका ठीक है जो पहला वर्ड है आपका वो क्या है वो है आपका पॉर्ट्यू ठीक है पॉर्ट्यू समझिएगा पॉर्ट्यू दूसरा जो शब्द है वो है आपका नियोनेट नियोनेट ध्यान से समझिएगा यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं पूछा जाता है कि पॉटोनेट आपका कब से कब तक चलता है और नियोनेट आपका कब से कब तक चलता है बहुत बार आपके विभिन्न एग्जामों में ये आपका पूछा गया है राइट तो इसलिए ध्यान से आप लोग क्या करेंगे ध्यान से आप सभी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ठीक है ध्यान से समझने का प्रयास करिए आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं पॉर्ट्यूनेट और नियोनेट की ठीक है बात कर रहे हैं हम पॉर्ट्यूनेट और नियोनेट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इसे हम कितने भागों में बांटे दो भागों में बांटे पहला आपका पॉर्ट्यूनेट हुआ और दूसरा आपका क्या हुआ दूसरा आपका नियोनेट हुआ अब समझिए क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यह अवस्था कब से कब तक चलती है तो अगर पॉर्ट्यूनेट पूछा जाए कि पॉर्ट्यूनेट कब से कब तक चलता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था यह ये, ये कब से कब तक चलेगी ये आपकी जन्म से तीस मिनट ठीक है ये आपकी कब से कब तक चलेगी तो ये आपकी चलती है जन्म से तीस मिनट ठीक है जन्म से तीस मिनट अब ध्यान से समझिए कि जन्म से तीस मिनट की अवस्था अगर पूछा जाए कि क्या कहलाती है तो क्या आंसर करेंगे Fortunate. वहीं अगर अगर ठीक है की की बात की जाए तो नियोनेट आपकी कब से कब तक चलेगी तो ये आपकी जन्म से लेकर के तीस दिन तक चलती है ठीक है कब तक चलती है जन्म से लेकर के अब याद स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहां पे बताया था यहाँ पे यही कहा गया है हरलॉक ने क्या कहा जन्म से दो सप्ताह नवजात शिशु कॉल सैनिक ने कहा तीन से चार सप्ताह विभिन्न विद्वानों ने कहा जन्म से तीस दिन तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जन्म से तीस दिन नियोनेट की बात करें अब ये जो पॉर्ट्यूनेट की आपकी स्टेज होती है ठीक है इसमें क्या होता है पॉर्ट्यूनेट की स्टेज में याद रखिए जब हम डिलीवरी पढ़ रहे थे जब हम प्रसव प्रक्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि बाद लास्ट में क्या होता है लास्ट में क्या होता है बताइए जब बच्चा बाहर आ जाता है तो लास्ट में संपूर्ण निष्कासन होता है ना तो संपूर्ण निष्कासन यानी बच्चे का जन्म हो चुका और लास्ट में जब संपूर्ण निष्कासन होता है तो उस समय क्या होता है प्लेजेंटा की डिलीवरी होती है तो वही स्टेज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा इसमें आपके अम्बलिकल कॉर्ड ठीक है इसमें क्या होगा इसमें अम्बलिकल कॉर्ड अम्लिकल कॉर्ड की डिलीवरी होती है प्रेजेंटा की डिलीवरी होती है ठीक है वो बच्चा क्या हो जाता है बच्चा आपका बाहर आ चुका होता है जन्म ले चुका होता है और जन्म से तीस मिनट में ये आपके अम्लिकल कॉर्ड वगैरह सब कुछ बाहर आ जाता है प्रेजेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है ये स्टेज आपकी जन्म से तीस मिनट की अवस्था कहलाती है अब इस समय बच्चे के साथ क्या किया जाएगा तो बच्चे के साथ बच्चे को जो है गर्भ नाल को भ्रूण से अलग किया जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या किया जाएगा यहाँ पे आपके शिशु को गर्भ नाल से अलग कर किया जाता है ध्यान रखेंगे ये प्रोसेस आपका उसके बाद अगर हम नियोनेट की बात करें तो ये तो आपकी जन्म से तीस दिन की ही अवस्था कहलाती है अगर इस नियोनेट शब्द की बात करें राइट किसकी बात करें नियोनेट शब्द की बात करें तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द होता है ठीक है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द होता है जो कि आपके ग्रीक भाषा से ठीक है जो कि किससे जो कि आपके ग्रीक भाषा के नियो शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है क्या इसका मतलब होता है नया अर्थात आप कह सकते हैं क्या नया शिशु है ना क्या कह सकते हैं आप नया शिशु तो बस यहाँ पे कॉल कॉलिक याद कर लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा कि ये आपकी कब से कितने दिन तीन से चार सप्ताह आपकी ये चलेगी राइट कब तक चलेगी तो तीन से चार सप्ताह या फिर आप जन्म से तीस दिन नियोनेट आपके लैटिन भाषा का शब्द है ग्रीक के नियोस से लिया गया है अर्थ होता है क्या जिसका अर्थ होता है नया कि तीन से चार सप्ताह बताइए यहां तक आपको समझ में आया कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है बहुत ईजी है बस बच्चे को ध्यान में रख करके आप चीजों को समझते रहेंगे तो अब तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन से बच्चे आपके नवजात में आते हैं नवजात शिशु किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे हम पढ़ रहे हैं नवजात शिशुओं की देखभाल तो अब आपको ये समझना है कि बच्चे का जन्म तो हो चुका अब उसकी देखभाल किस प्रकार से करेंगे ये समझिएगा ठीक है अब बच्चे का जन्म हो चुका है वो इतने दिन से घर में पड़ा हुआ था बेचारा परेशान था अब उसका जन्म हो चुका है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो नियोनेट आपके चाइल्ड हैं ठीक है नियोनेट जो आपका नवजात शिशु है इसको हम नवजात जो अवस्था आपकी प्रथम अवस्था है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम समायोजन की अवस्था नाम से भी जानते हैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं तो जो आपका नियोनेट वाला पीरियड है ठीक है नियोनेट का जो पीरियड होता है उसे ही समायोजन की अवस्था के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है समायोजन की अवस्था यानी कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट राइट पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट समायोजन की अवस्था यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है समायोजन की अवस्था डायरेक्ट पूछा जाता है कि समायोजन की अवस्था कौन से काल को कहते हैं आपको चार ऑप्शन दे देगा ठीक है तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि समायोजन की अवस्था भी आप किसे कहेंगे नियोनेट पीरियड यानी ये आप क्या हो, ये क्या होता है ये पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट इसमें क्या करता है बच्चा इसमें ठीक है इसमें क्या करता है तो इसमें बच्चा जो है सामंजस्य स्थापित करता है अभी तक तो वो माता के गर्भ में था सुरक्षित था सारी चीजें माता से उसको प्राप्त हो रही थी अब 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 क्या करेगा? करेगा। वो वो बाहरी वातावरण से स्थापित करेगा, अब वो अपना पोषण खुद से कर रहा है मतलब उसका शरीर खुद एक्टिवेट है वो काम कर रहा है तो यहाँ पे उसको जो है क्या करना पड़ रहा है उसको समायोजन स्थापित करने के लिए खुद को संघर्ष करना पड़ रहा है यहां से शिशुओं का संघर्ष स्टार्ट हो जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे समायोजन की अवस्था यानी पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहा जाता है बताइए तक आपको क्लियर होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं क्या अब समझते हैं आगे कि नवजात शिशुओं की देखभाल हमें किस प्रकार से करनी है अब समझिए कि बच्चे ने क्या किया बच्चे ने आपके जन्म ले लिया अब बच्चा आपका जीवित है या मृत है ये कैसे पता चलेगा तो आपको पता होगा कि बच्चों को क्या करते हैं बच्चों को रुलाया जाता है ना और जब वो रोता है तो सभी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है कि हाँ बच्चा क्या है स्वस्थ है अगर वो उस समय रोए ना तो भी बहुत समस्या हो जाती है तो उस समय बच्चे का रोना रोने से क्या होता है रोने से उसके जो फेफड़े हैं राइट रोने से उसके जो फेफड़े हैं वो खुल जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप जीवित मृत परीक्षण करते हैं जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ठीक है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले यही किया जाता है कि बच्चा जीवित है कि नहीं ठीक है तो ये जीवित मृत परीक्षण किया जाता है जीवित मृत परीक्षण क्या होता है इसमें आपका बच्चा जीवित है नहीं सांस चल रही है कि नहीं चल रही है तो इसलिए इसमें बच्चे को उल्टा ऐसे करके और दो तीन थपकियां देते हैं उसको जिससे वो क्या करे रोने लगे और रोने की वजह से क्या होती है उसके फेफड़े खुल जाते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अब अगर यहाँ पे शिशु हो सकता है सांस ना ले पाए ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मान लीजिए कि जो शिशु सांस ना ले पा रहा हो तो इसका मतलब है फिर तुरंत ही उसकी परीक्षण किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं सांस ले पा रहा है क्यों रो नहीं रहा है ये भी हो सकता है कि बच्चा क्या हो बच्चा गूंगा हो बहरा हो राइट अगर गूंगा है बहरा है तब भी तो वो आवाज नहीं करेगा तो यहाँ पे ये सारे परीक्षण क्या किए जाते हैं ये सारे परीक्षण आप देखेंगे कि ये सभी परीक्षण यहाँ पे किए जाएंगे कि बच्चा आपका जीवित है या नहीं इसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे यहां पे कि कि बच्चा आपका जीवित है कि नहीं। गुंगा तो नहीं है बहरा तो नहीं है ये सारा रो क्यों नहीं रहा है रोना बहुत जरूरी होता है रोने से क्या हो रहा है रोने से उसके जो फेफड़े हैं वो खुल जाते हैं और बच्चा आपका सांस लेने लगता है तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और ये आपका परीक्षण कब किया जाएगा जब बच्चा जन्म ले लेता है जन्म के पश्चात जो प्रथम परीक्षण होगा बच्चे का वो यही होता है ठीक है बताइए क्लियर है यहाँ पे चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझेंगे यहीं पे आप एक और चीज जानिए ठीक है यहीं पे आप एक और चीज जानिए कि अब आपको क्या हुआ अब आपको पता चल गया कि भाई बच्चा आपका जीवित है या मृत है ये चीजें आपको पता चल गई अब क्या करेंगे अब जो बच्चा है उसके शरीर में ना बहुत सारे स्लेस्मा लगा होता है ठीक है क्या लगा होता है श्लेष्मा लगा होता है एक चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है ठीक है बहुत सारा स्लेस्मा लगा होता है ठीक है स्लेसमा ये स्लैस्मा आपका चिकना पदार्थ होता है और इसी पदार्थ की वजह से बच्चा आपका फिसल करके बाहर आ जाता है ठीक है चिकना होता है ना तो चिकने की वजह से क्या होगा वो फिसल करके बाहर आ जाता है चिकनाहट की वजह से तो ध्यान रखेंगे कि इस इसलैसमा को आपको क्या करना है इस को आपको ठीक है इस को आपको क्या करना है इस इसल को साफ करना है ठीक है को क्या करना है साफ करना है अब स्लैसमा को साफ करने के लिए आप किसी जो है कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक क्या कर सकते हैं कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कपड़े के इस्तेमाल से आप जो है शिशु के शरीर को शिशु के संपूर्ण शरीर को आप क्या करेंगे शिशु के संपूर्ण शरीर को साफ करेंगे ठीक है संपूर्ण शरीर को आप क्या करते हैं साफ करते हैं साथ ही और क्या करना रहता है तो साथ ही और जो है बच्चे का हार्ट बीट चेक करना होता है ठीक है उसके हार्ट बीट चल रही है कि नहीं वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ठीक है तो ये भी हमको चेक करना होता है कि उस सांस ले रहा है कि नहीं उसकी हार्ट बीट रेट कितनी है न, किस तरह से है चल रही है कि नहीं कोई बीमारी तो नहीं है कोई समस्या तो नहीं है सारी चीजें सारे परीक्षण यहाँ पे बच्चे के किए जाते हैं अब आजकल तो मतलब सभी के यहाँ डॉक्टर के ही यहाँ हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो रही है तो ये सारे परीक्षण डॉक्टर ही कर लेते हैं पहले के टाइम पे क्या होता था दाइया होती थी अब दाई जो है इतना परीक्षण तो नहीं कर पाएगी हाँ बहुत से लोग ये करते थे कि जब आ, सारा काम हो गया और फिर शिशु को कोई समस्या हो गई तो फिर लेकर के हॉस्पिटल भागते थे तो इस तरह नहीं करना चाहिए आपको अब आप तो 99% आपके जो है बच्चे कहाँ होते हैं हॉस्पिटल में ही होते हैं तो ये सारे काम आपके कौन करते हैं ये सब आपके डॉक्टर नर्सेस खुद ही ये सारी चीज़ें चेक कर लेती है कि उसका हार्ट बीट ठीक से चल रहा है पल्स रेट ठीक से चल रहा है कोई समस्या तो नहीं हो रही है सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है बच्चे को वो उसका स्लेसमा मुंह से गले से अच्छे से साफ हो जाए पूरा आंखों के पास से कान के पास से सारी जगह से अच्छे से क्या करते हैं उसकी सफाई करते हैं और बच्चा गूंगा बह रहा है तो इसको देखते हैं साथ ही वो रो क्यों नहीं रहा है रोना बहुत जरूरी होता है जिससे उसके फेफड़े खुल जाए और वो सांस ले सके ठीक है तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जीवित मृत परीक्षण आपको समझ में आ गया अब हम क्या देखेंगे जो सेकंड आपका परीक्षण होता है वो क्या है वो है आपका नाल छेदन परीक्षण ठीक है कौन सा परीक्षण नाल छेदन परीक्षण नाल छेदन अब इसमें क्या होता है भाई बहुत से लोगों को तो अपने अपने शिशु याद आ रहे होंगे है ना बहुत से लोगों को तो अपने अपने शिशु याद आ रहे होंगे ऐसा ना हो पढ़ते पढ़ते बच्चों को आप लोग जो है हंसते मुस्कुराते देखने चले जाएं तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा ओके चलिए नाल छेदन परीक्षण पढ़ेंगे हम लोग कि नाल छेदन परीक्षण क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका समझिएगा ध्यान से कि इसमें क्या किया जाता है जब शिशु आपका माता के शरीर से बाहर आ जाता है ठीक है शिशु क्या होगा माँ के शरीर से बाहर आ जाता है तो आपको पता होगा कि जो शिशु होता है वो एक ठीक है ये क्या हो गया मान लीजिए ये आपका शिशु हो गया ठीक है ये क्या हो गई ये माता हो गई तो आपको पता होगा प्लेजेंटा होता है उनके गर्भ में क्या होता है प्लेजेंटा होता है और वहां पे एक कॉर्ड होता है जिससे शिशु की नाभि से वो अटैच होता है ये जिसकी बात कर रही हूं मैं इसे ही क्या कहा जाता है इसे ही हम बोलते हैं अम्बलिकल कॉर्ड क्या बोलते हैं इसको अम्बलिकल कॉर्ड बोलते हैं है ना अब इसी अम्बलिकल कॉर्ड को क्या करना रहता है काटना रहता है हटाना रहता है शिशु के शरीर से तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो ये अभी भी जुड़ा रहता है ये यहां से अलग हो जाएगा यहाँ से अलग हो जाएगा यानी माता के शरीर से तो अलग हो जाता है लेकिन शिशु की नाभि से वो अभी भी अटैच होता है जुड़ा रहता है तो अब क्या करेंगे अब इसको जो है ठीक है अब इसको क्या करते हैं अब इसको काटने की बारी आती है यानी कि अब इसको काटेंगे अब ध्यान से सुनिएगा ये नहीं कि बच्चा जैसे ही जन्म लिया तुरंत कैची लीजिए और जुट जाइए कि काट के अलग कर दो तुरंत ये काम आपको नहीं करना है आपको थोड़ी देर रुकना है जब तक जब तक इस अम्बलिकल कॉर्ड में स्पंदन होता रहे तब तक आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जो यहाँ पे जो है रक्त प्रवाह बढ़ जाए और ऐसे में शिशु की मृत्यु भी हो सकती है ठीक है ऐसे में शिशु की मृत्यु भी हो सकती है रक्त प्रवाह बहुत बढ़ सकता है तो जैसे ही बच्चा जन्म ले तुरंत कैची लेके मत जाइए थोड़ा आपको वेट करना चाहिए जिस जब ये स्पंदन ठीक है जब ये अम्लिकल कॉर्ड में स्पंदन जो है वो आपका बंद हो जाए उसके पश्चात ही आपको क्या करना है उसके पश्चात आपको नहीं करना डॉक्टर को करना है लेकिन आप सभी मुख्य सेविका बनने जा रही हैं तो आपको भी जानना जरूरी है कि क्या-क्या क्या, -क्या चीजें होती हैं है है ना तो आ, क्या कर, किया जाता है? इसको जो है काटा जाता है अब देखिएगा समझिएगा कि कैसे होती है चीजें ठीक है ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कट चुका है उसके बाद का फिगर है ये जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ लगा हुआ है ठीक है यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखिए बच्चे के नाभि नाल के पास यहाँ पे कुछ लगा हुआ है आपका ऐसे और ये पूरा स्टेज आपको दिखाया गया कि, कि किस प्रकार से ये लगा रहता है फिर धीरे 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 सूखता है तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई गई है राइट चलिए इसके पहले हम लोग समझते हैं कि इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाल छेदन परीक्षण में क्या चीजें होती हैं ठीक है तो नाल छेदन परीक्षण में क्या किया जाएगा ये जो आपका अम्बलिकल कॉर्ड है ऐसे समझिए आप सभी अम्बलिकल कॉर्ड है जो आपका इसको ये शिशु हो गया ये शिशु की नाभि से अटैच है तो इसको आप थोड़े दूर पे यहाँ से क्या कर दिया जाएगा काट दिया जाएगा यहाँ से आपके यहाँ पे एक चीज लगाया जाता है यहाँ पे लगा करके उसके बाद यहाँ बीच से इसको काट दिया जाता है जिस स्कैची का हम इस्तेमाल करते हैं राइट जिस कैंची का हम इस्तेमाल करेंगे कैंची का इस्तेमाल किया जाता है वो कैची आपकी क्या होनी चाहिए वो कैची आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए उसमें किसी प्रकार का क्या ना हो किसी प्रकार का विष संक्रमण ना हो यही तो क्या होगा जाएगा यहाँ से बच्चे को जो है आपके संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए जो कैची हो वो पूरी तरह से विसंक्रमित होनी चाहिए किसी भी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं लगा होना चाहिए तो कैची को आपको क्या करना है कैची को अच्छे से साफ करके ही यहाँ पे आपके नाल छेदन प्रक्रिया को करना चाहिए ठीक है अब काटने के पश्चात क्या किया जाएगा ठीक है काटने के पश्चात क्या करना है तो काटने के पश्चात आपको अच्छे से लोशन लगाना है वहां पे और लोशन लगाना है जिससे वो ठीक ठाक रहे ठीक है और लोशन लगाने के साथ ही आप वहां पे कोई पाउडर भी लगा सकते हैं अच्छा पहले के टाइम पे गाँव में क्या होता था गाँव में जो दाइया होती थी वो सरसों का तेल लगा देती थी तो सरसों का तेल पहले के टाइम पे लगाया जाता था लेकिन आज जो है डॉक्टर क्या करते हैं उस पर अच्छे से लोशन लगा करके पाउडर वगैरह लगा करके उसकी जो है वहां पे पट्टी वगैरह कर देते हैं ठीक है चलिए तो ये हो गया यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी नाल छेदन परीक्षण इसमें जब आपके माँ के शरीर से शिशु बाहर आ जाता है उसके पश्चात जो है क्या किया जाएगा उसके पश्चात आपके शिशु उसके दो तीन इंच ऊपर से यहाँ से उसको कट, आ, काटा जाता है काटने के वस, बाद यहाँ पे अच्छे से क्या लगाया जाएगा यहाँ पे अच्छे से लोशन या पाउडर लगाया जाता है लोशन या पाउडर लगाने के उसको छोड़ दिया जाता है ध्यान रखते हैं कि वो जो ये आपका नाल है ना ये आपका क्या ना हो खींचे नहीं अगर बच्चा इधर उधर हो रहा है तो हो सकता है ये खिंच जाए तो खींचने से क्या होगा खींचने से हो सकता है रक्त स्राव होने लगे ठीक है खींचने से क्या होने लगे रक्त स्राव होने लगे रक्त स्राव के साथ साथ जो है पक सकता है उसमें जो है पस भर सकता है कुछ भी चीजें हो सकती हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा का और ये भी देखना होता है कि ये जो आपका नाल है बात करें न, तो ये आठ से दस दिनों बाद अपने आप स्वतः ही सूख करके क्या हो जाएगा गिर जाएगा जैसे अभी आपने देखा था ना यहाँ पे फिगर देखा था तो उसमें क्या हो रहा था वो सूख करके गिर जा रहा था तो वही चीजें होती है यहाँ पे वो जो है आपका सूख करके क्या होगा ये गिर जाएगा लेकिन जब तक वो नहीं सूखता है तब तक हमें क्या करना पड़ता है बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है राइट तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए लोशन और पाउडर लगा करके जब आप बच्चे की ड्रेसिंग कर देते हैं ठीक है जब आप बच्चे की क्या कर देंगे अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे तो ध्यान दिए होंगे आप सभी कि जब बच्चा रोएगा ठीक है जहाँ पे ध्यान देंगे जब बच्चा रोएगा ना तो वो भी थोड़ा सा खड़ा हो जाता है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा वो भी आ, मतलब उसमें भी क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी तो ये बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है इससे परेशान नहीं होना चाहिए हाँ अगर कोई दिक्कत हो रही है मतलब कि अगर उसके आसपास जो है रक्त निकल रहा है या फिर कुछ घाव वगैरह हो जा रहा है तो आपको डॉक्टर्स के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए डॉक्टर से जरूर पूछ ले अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो कि ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बाद में समस्या हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए ठीक है एंटीसेप्टिक आपको ये जो आठ से दस दिन का पीरियड है ठीक है ये जो आठ से दस दिन का पीरियड है इसमें आपको एंटीसेप्टिक डेली लगाते रहना है ठीक है डेली आपको बच्चे की ड्रेसिंग करना है एक से दो बार आपको ठीक है एक से दो बार तीन बार आपको बच्चे की ड्रेसिंग डेली करना है ये नहीं कि आज किया तो कल छोड़ दिया फिर परसों छोड़ दिया ये नहीं करना है आपको आपको जो है एंटीसेप्टिक लगा करके बच्चे की ड्रेसिंग आपको डेली करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण होने की संभावना यहां पर ना बने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चे का क्या हो गया बच्चे की नाल छेदन की प्रक्रिया हो चुकी है अब क्या होगा बताइए आप सभी कि अब कौन सी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसमें आपको बच्चे की देखभाल करनी पड़े तो सिंपल सी बात है अब बच्चे को क्या करना है नहलाना है स्नान कराना है प्रथम बात होगा ठीक है अब क्या होगा अब बच्चे को आपको स्नान कराना है नहलाना धुलाना है अब समझिएगा स्नान कराना है तो स्नान किस प्रकार से बच्चे को कराना चाहिए इसमें बहुत सारे टाइप्स आपने देखे होंगे अब ये नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया उसको ले जाइए बढ़िया से टब में लिटा करके अच्छे से नहलाना धुलाना शुरू कर दिए ऐसे में समस्या खड़ी हो जाती है बच्चा आपका बीमार पड़ सकता है तो बहुत ही प्यार से बहुत ही हल्के हाथों से उसकी बाथिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हम कई सारे बात की बात करेंगे आपके साथ चलिए ध्यान से समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़नी है पहला तो ये जानिए कि जब शिशु का जन्म होता है तो तुरंत ही उसको स्नान नहीं कराया जाता अभी मैंने आपको बताया कि उसके शरीर के चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ लगा होता है आपको उसको क्या करना है साफ करना है पूरा कॉटन की सहायता से कपड़े से आपको क्या कर देना है पूरा अच्छे से साफ कर देना है स्नान जो होता है वो लगभग चौबीस घंटे बाद कराना चाहिए कितने घंटे बाद लगभग 24 घंटे बाद ही आपको अपने बच्चे को प्यार से नहलाना धुलाना है उससे पहले अगर करते हैं अगर 24 घंटे से पहले आप स्नान कराते हैं अपने बच्चे को तो हाइपो हाइपोथर्मिया बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता है अब ये हाइपोथर्मिया क्या होता है हाइपोथर्मिया में बच्चे को सर्दी जुखाम ठीक है सर्दी जुखाम खांसी ये सारी चीजें या फिर हो सकता है बुखार भी आ जाए अगर घंटे से पहले आप बच्चे को स्नान कराते हैं तो क्या होगा हाइपोथर्मिया होने का डर रहता है बच्चे को जिसमें उसको सर्दी जुकाम बुखार आने का खतरा बना रहता है ठीक है निमोनिया हो सकता है इस वजह से हमें 24 घंटे वेट करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा और बच्चा का क्या है अभी अभी जन्म लिया है आपको मैंने बताया ये एडजस्टमेंट पीरियड है उसका समायोजन स्थापित कर रहा है वातावरण से तो तुरंत पानी के साथ अभी तो वातावरण से समायोजन स्थापित कर रहा है तुरंत नहला देंगे तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए इस वजह से 24 घंटे हमें वेट करना चाहिए उसके बाद ही उसका स्नान कराना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें ना किसकी डब्ल्यू की बात करें डब्ल्यू एच ओ की तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है समझिएगा डब्ल्यू एच ओ ने कहा कि आफ्टर ट्वेंटी फोर आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर आप क्या करा सकते हैं बच्चे का स्नान करा सकते हैं ये आपके डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर आप क्या कराए बच्चे का स्नान करा सकते हैं लेकिन जो मोस्ट प्रेफर है ना जो बहुत सारे जगह आपने पढ़ा भी होगा अपने घर में भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुना होगा क्या सुना है आपने आपने यही सुना है ना कि लगभग 48 से बहत्तर घंटे लगभग 48 से बहत्तर घंटे आपको क्या करना चाहिए आपको वेट करना चाहिए बच्चे का स्नान नहीं कराना चाहिए पानी से और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग तीन दिन तक तो आपको इंतजार करना ही चाहिए बेस्ट अच्छा होता है ठीक है कम से कम आप 24 घंटे आपको वेट करना ही चाहिए यह आपका मस्त है जरूरी है ठीक है लेकिन अगर फिर भी अगर कराना है तो 24 घंटे के बाद कराइए, लगभग 48 से बहत्तर घंटे या तीन दिन बाद आप बच्चे का स्नान करा सकते हैं अब स्नान कराने का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया ये नहीं कि टिटा करके बस पानी से चालू हो गए ऐसे स्नान नहीं कराना है आपको आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है आपको क्या करना है ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है जरूरी तो नहीं है ना कि सभी के बच्चे एकदम स्वस्थ ही सभी के बच्चे एकदम स्वस्थ ही हो तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है उसी प्रकार से आप उसको स्नान कराएंगे तो चलिए बात करते हैं किसकी बात करते हैं स्नान की कि कितने टाइप्स की आप स्नान बच्चे को करा सकते हैं ठीक है कितने टाइप के आप स्नान करा सकते हैं तो इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है आपका लैप बाथ लैप बात अब ये लैप बाथ कौन सी प्रक्रिया हो गई भाई तो समझिएगा लैप बात का मतलब क्या होता है ठीक है लैप बात का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा कोई शब्द यहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोग ध्यान से समझे बस एक बार समझ ले तो दोबारा आपको समझने की भी जरूरत नहीं है बस एक बार आपको क्या करना पड़ेगा एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके चीजों को समझना पड़ेगा बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लीजिए और किसी बच्चे को ध्यान से याद कर लीजिए ठीक लैब बाथ में क्या होता है लैब बाथ में बच्चे को गोद में लेकर के ठीक है गोद में लेकर के अच्छे से प्यार से उसको जो है पानी का थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा करके स्नान कराया जाता है ध्यान दिया जाता है कि उसका जो नाभि का एरिया है वो बहुत ज्यादा मतलब पानी से अफेक्ट ना हो नहीं तो उसके पकने का खतरा बना रहता है ठीक जैसे कि आप अभी देखेंगे अभी मैं फिगर के थ्रू भी आपको दिखाऊंगी दूसरा जो बात है उसको बोलते हैं स्पंज बात ठीक है स्पंज बात अब ये स्पंज जो बात होता है इसमें क्या किया जाता है स्पंज बात में स्पंज की सहायता से ठीक है स्पंज होता है मार्केट में अवेलेबल होता है स्पंज उसी स्पंज की सहायता से उसको पानी में डाल करके निकाल के पानी अच्छे से निचोड़ करके बच्चे के पूरे शरीर को पोछ दिया जाता है तीसरा जो बात होता है ठीक है तीसरा जो बात है आपका वो कौन सा है तीसरा जो बात है उसको हम बोलते हैं ऑयल बात ऑयल बात ठीक और जो उसके बाद आपका नेक्स्ट बात है उसको बोलते हैं टब बात टब बात चलिए टब बात इन सभी के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है ऑयल बात में क्या होगा भाई ऑयल बात में तेल मालिश की जाती है और ये आफ्टर सिक्स मंथ आफ्टर सिक्स मंथ ये बात आपका ज्यादा मतलब कि ये बात आपका ज्यादा जरूरी होता है अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है लैप बाथ स्पंज बाथ ऑयल बाथ टब बाथ लैप बाथ में क्या होता है बच्चे को प्यार से गोद में लिया जाता है ठीक है बच्चे को क्या किया जाएगा प्यार से गोद में लिया जाएगा और इस प्रकार से देख सकते हैं अच्छे से गोद में लेकर के यहाँ पे तो जो है बाथ टब का इस्तेमाल किया गया है तो बाथ टब में जो है बच्चे को धीरे धीरे से नहलाने की प्रक्रिया की जा रही है पानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस पानी का आप इस्तेमाल करेंगे ना वो पानी आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए ठीक है ये नहीं कि एकदम खौला दो ठीक है उसको चेक कर लीजिए अपनी फिंगर डाल करके हल्का क्या हो हल्का गुनगुना हो पानी ठीक है हल्का गुनगुना हो पानी और फिर उसी पानी से आप क्या कर सकते हैं बच्चे को अच्छे से साफ कर सकते हैं ठीक यहाँ पे देखिए कितने प्यार से अपने बच्चे को वो पानी से क्या कर रही है माँ क्या होती माँ ममता का स्वरूप होती है ना तो बस प्यार से उसको क्या कर रही है सफाई उसके शरीर की कर रही है अच्छे से उसकी पोछा पोछाई हो रहा है अब देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसकी ऑयल बाथिंग प्रक्रिया हो रही है ऑयल बाथ का मतलब क्या होता है देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना ऑयल बाथ ऑयल बाथ में क्या होता है ना ऑयल बाथ में अच्छे से जो घर पे आपके बच्चे की तेल माल इसकी प्रक्रिया होती है होती है ना लगभग छह महीने एक साल तक तो उसी को हमारे डॉक्टरी टर्म में क्या कहा जाता है ऑयल बाथ कहा जाता है ऑयल बाथ का मतलब ही है कि इसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तेल का इस्तेमाल करेंगे अब ये डिपेंड करता है भाई एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि सरसों का तेल सरसों का तेल ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आजकल लोग जैतून का तेल भी इस्तेमाल करते हैं तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कोई कहता है भाई सरसों का तेल लगाएंगे तो बच्चा आपका काला हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे जैतून का तेल भी आप यहाँ पे प्रिफर कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा गोरा चाहिए तो भाई ये लगा लीजिए काला चाहिए तो ये लगा लीजिए बाकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस प्रकार का होगा अब ये जो बच्चे होते हैं गांव में क्या होता था गांव में जो है एक शब्द आपने सुना होगा बुकवा कहते थे उसको तो सरसों को उसमें बढ़िया से अच्छे से पिसाई करके मम्मी दादी लोग क्या करती थी खास करके ये काम घर के बड़े बुजुर्ग ज्यादा करते थे अब बढ़िया से बच्चे को लिटा करके उसको कूटना पीटना चालू कर देते थे कूटना पीटना का मतलब क्या कि उसकी अच्छे से मालिशिंग होती थी और ये देखिए बढ़िया सा मुस्कुरा रहा है बहुत ही खुश होते हैं बच्चे उनके शरीर पूरी अच्छे से क्या की जाती है इसमें मालिश की जाती है ऑयल बाथ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें तेल की जो मात्रा होती है जैसे पानी से आप नहलाएंगे तो पानी खूब ज्यादा ज्यादा लगाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे तेल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है ठीक है तेल क्या होता है पूरा अधिक होता है तो एकदम अच्छे से तेल से ही नहला देते हैं बच्चे को बढ़िया से तेल लगाया जाता है इसलिए इसको ऑयल बाथ कहा गया है अब इसमें शरीर में उसकी बढ़िया मसाज भी हो रही है बच्चा भी खुश है कि उसका हाथ पैर अच्छे से मोड़ा उड़ा जा रहा है कहते हैं कि बच्चे का शरीर इससे क्या होता है मजबूत होता है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए बढ़िया उसकी पीठ की मसाज की जा रही है और वो भी एकदम खुश है हंस खेल रहा है लेटा हुआ है प्यार से है ना तो ये देखिए बढ़िया हंस खेल रहा है और उसकी पीठ की क्या चल रही है यहाँ पे मसाज चल रहा है अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसके हाथ को भी अच्छे से चारों तरफ मोड़ा जा रहा है चारों तरफ गले के पास आंखों के पास पैरों को पीठ को पेट को हर जगह चारों तरफ मतलब बच्चे के पूरे शरीर को ठीक है बच्चे के पूरे शरीर पे क्या कर रहे हैं पूरे शरीर पे तेल को अप्लाई किया जा रहा है जैसे आप पानी को अप्लाई करते हैं उसी प्रकार से तेल को पूरे शरीर पर अप्लाई किया जाता है और अच्छे से उसकी कसरत हो जाती है बच्चा भी बड़ा खुश रहता है और इसके बाद उसको एक बॉटल दूध दे दीजिए और आराम से वो सो जाएगा तो ये होती है आपकी ऑयल बाथिंग ठीक है कोई समस्या नहीं होगी अब स्पंज आपको समझ में आ गया होगा स्पंज मार्केट में अवेलेबल होता है स्पंज हमारे लोगों के यहाँ तो क्या होगा हमारे यहाँ या आपके यहाँ मतलब बहुत जगह आपने पहले के टाइम पे क्या होता था मम्मी लोग कपड़ा ली बढ़िया पानी में डाली उसको अच्छे से वो की और फिर पोछ दी पूरे शरीर को वही हो गया क्या स्पंज बात हो गया गोद में लेकर के अच्छे से प्यार से गोद में लेकर के उसको साफ कर दिया फिर है टब बाथ टब बाथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर बढ़िया एक टब लिया लेके आते हैं बड़े प्यार से घर वाले और इसी टब में बच्चे को बिठाते हैं पानी गुनगुना भरा होता है और बच्चा भी उसी में हंसता खेलता हाथ पैर मार रहा है पानी चारों तरफ फैल रहा है तो बस वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है इसको बोलते हैं टब बात आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इसे बोलते हैं हम बच्चे का स्नान कराना अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि आपको स्नान कराते वक्त बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ठीक है बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट हो उसे आपको अच्छे से साफ करना है ठीक उसे आपको अच्छे से क्लीन करेंगे उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया से साफ करते हैं आंख नाक कान सारी चीजें आप क्या करेंगे अच्छे से सफाई करेंगे इसके बाद जो आपको नेक्स्ट ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि अंगों की स्वच्छता अंगों की स्वच्छता राइट right? अंगों की स्वच्छता का मतलब क्या है कि बच्चे का ठीक है बच्चे का जैसे अभी मैंने आपको बताया आंख नाक कान और उसका मुंह ठीक आंख नाक कान और मुंह अब इसको किस तरह से आपको साफ करना है ठीक है आंख को कैसे साफ करेंगे नाक को कान को मुंह को तो बस बिल्कुल धैर्य बना करके समझते जाइए सुनते जाइए ध्यान से देखिए आंख को क्या करना है आंख को अच्छे से आप क्या करते हैं उसकी मालिश करते हो सकते हैं आंख के पास कुछ चिपचिपा पदार्थ हो तो उसको क्या किया जाता है अच्छे से साफ किया जाता है अब ये नहीं कि पूरा उंगली डाल डाल के साफ करेंगे ऐसा नहीं किया जाता है ठीक है कपड़ा लिया जाता है सूती कपड़ा ठीक है सूती कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसी से अच्छे से क्या करते हैं उसी से पोछा पोछाई की प्रक्रिया आपकी अच्छे से शिशु के शरीर में पोछा लग जाता है चलिए नाक की सफाई कैसे करनी है तो नाक में भी आप सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है सूती कपड़े आप इयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ईयरबड के इस्तेमाल से भी आप नाक को साफ कर सकते हैं नाक में सफाई इसलिए जरूरी है क्यों क्यों क्योंकि सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो सकता है ठीक नाक में कुछमा वगैरह ना चला गया हो तो इसलिए नाक की सफाई बहुत तो जरूरी है तो क्या करना है सूती कपड़े की एकदम बाती बना के पतली सी बाती समझते हैं ना जैसे घर में दिया जलाते हैं तो पतली सी बत्ती बनाते हैं उसी तरह से कपड़े को क्या करना है किसी चीज में लगा करके या ऐसे ही आप कपड़े को लीजिए इस प्रकार से और अच्छे से आप इसको पतला पतला सा इस प्रकार मोड़ सकते हैं ठीक ऐसे मोड़ दिया पतली बाती बन गई अब इसी से आप बढ़िया नाक में डाल करके उसके जैसे आप लोग अपना नाक साफ करते हैं बस उसी तरह उसको सूती कपड़ा साफ कपड़ा इस्तेमाल करके उसकी पतली बाती बना करके उसे साफ कर देंगे सेम प्रोसेस आपको कान में भी इस्तेमाल करना है सूती कपड़ा वही पतली बाती बना के, आप कान में डाल करके चलाइए और अच्छे से उसको साफ कर दीजिए इयरबड का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है साथ ही आप मुंह में क्या मुंह में कुछ वगैरह ना चला गया हो तो मुंह में क्या करना है मुंह में भी सूती कपड़े का आप इस्तेमाल करके और यहाँ पे बोरिक एसिड होता है राइट बोरिक एसिड का घोल होता है उसी में कपड़ा डाल करके पहले कपड़े को अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर बच्चे के मुंह में डाल के ऐसी कोई भी कपड़ा आप बच्चे के मुंह में नहीं डाल सकते क्यों क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि बच्चा अभी आपका एडजस्ट ही कर रहा है इस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे में आपको क्या करना है बोरिक एसिड के घोल में कपड़े को डालना है और अच्छे से उंगली डाल करके उसको साफ करेंगे कपड़ा उसके बाद इसी कपड़े से उसके मुंह में चारों तरफ आपको क्या करना है उसके गले को अंदर तक साफ करना है अब ये नहीं कि पूरा यहां तक घुसा दीजिए ऐसा मत करिए प्यार से मतलब अच्छे से ठीक है यहां तक अच्छे से मुंह को आपको क्या करना है बच्चे को साफ करना है मुंह का जो भी वगैरह लगा है उन सभी को आप क्या कर सकते हैं उन सभी को आप साफ करेंगे अच्छे से उंगली पे कपड़े को लगा करके अब बहुत ज्यादा आप बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जैसे आप बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हानिकारक है कुछ मात्रा कम मात्रा आप कम से कम तीन एम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे बहुत अधिक इसकी मात्रा हानिकारक होती है तो इसलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है थोड़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर होंगी इसके साथ ही आपके मार्केट में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिनकी जिनको जिनकी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं बच्चे की नाक की सफाई कर सकते हैं अब देखिए ये क्या है एक प्रकार का आपका स्पंज जैसा यंत्र है कह सकते हैं और इसी को देखिए बच्चे के नाक में लगा दिया है और नाक में लगा करके ऐसे दबाते हैं और इससे भी बच्चे के नाक की सफाई हो जाती है और बच्चे को जैसे इसको नाक में लगाते हैं ना उसको छींक आ जाती है बढ़िया सी और जैसे ही वो छीके छीकेगा तो नाक में कुछ भी अगर फंसा होता है तो वो बाहर हो जाता है और वो बच्चा आपका जो है सांस लेने लगता है ठीक है बच्चा क्या करेगा बच्चा जो है वो सांस लेने लगेगा तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाक में आप ये स्प्रे है एक प्रकार का ठीक है ये क्या है एक प्रकार का स्प्रे है इसको नेजल स्प्रे बोलते हैं नोजल स्प्रे और इसी को नाक में डाल करके इसको हम साफ कर लेते हैं तो ये आपको नाक के साफ करने के लिए वो ये आपका इस्तेमाल होता है राइट चलिए अब ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह जो मैंने आपको बताया जो शिशु का नाल होता है ठीक थी, है शिशु का जो नाभि के पास का एरिया है आपने इसको काट दिया था काट करके आपने इस पे क्या कर दी आपने इस पे पट्टी कर दी अब ठीक है आपने इस पे ड्रेसिंग कर दी अच्छे से अब इसको सूखने में लगभग कितने टाइम लगे आठ से दस दिन ठीक है कितने टाइम लगा लगभग आठ से दस दिन तो इस आठ से दस दिन में आपको पानी से बचाना है ये नहीं कि यहाँ पे आप बहुत सारा पानी लगा करके उसको बच्चे को नहलाएंगे अब आप देखिए कि यहाँ से यहां तक गया अच्छे से इसका डेली आपको क्या करना था डेली आपको एक दिन में कम से कम दो बार तो इसकी दो से तीन बार क्या करनी थी ड्रेसिंग करनी थी तो ये आपको करना है अब आप देखेंगे कि ये सूख रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है ये आपका जो नाल है वो धीरे धीरे सूख रहा है सूख करके यहाँ तक आते आते देखिए ये सूख करके क्या हो चुका है पूरी तरह से गिर गया है यहाँ पे देखिए ये सूख करके गिर गया है और यहाँ पे जो उसकी ना है वो ठीक हो गई है ठीक है नाभि जैसे सभी की होती है उसी प्रकार से यहाँ पे नॉर्मल सामान्य नाभि जैसी है वैसी हो गई है तो ये लगभग आपके आठ से दस दिन का प्रोसेस चलता है कितने दिन का लगभग आठ से दस दिन का चलता है जिसमें शिशु की जो नाभि होती है नाभि नाल को शरीर से अलग किया जाता है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ठीक है थीके? और फिर यहां से यहाँ पे आप देख सकते हैं दो से तीन बार आप दिन भर में पट्टी करेंगे जिससे इन्फेक्शन ना हो और ये देखिए धीरे धीरे सूख रहा है सूखते 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 ये सूख करके आपका गिर जाता है और आठ से दस दिन बाद ये आपकी सामान्य ना भी बन जाती है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ये आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी तो आपको यहाँ पे अंगों की स्वच्छता की मैंने बात की अंगों की स्वच्छता में आपने देख लिया कि हमने आंख नाक कान और मुंह की किस प्रकार से सफाई की ठीक इसी प्रकार से ये जो एरिया है नाभी के आसपास का इसको आपको किस प्रकार साफ करना है तो ये जो आपके नाभी के आसपास का एरिया आप ईयरबड एर की सहायता से देखिए ये क्या है ये ईयरबड है जिसको कान में डाल करके कान की सफाई करते हैं इसी की बात कर रहे हैं तो ईयरबड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं ईयरबड की सहायता से आप नाभि के आसपास का हो सकता है वहां पे कुछ पदार्थ गिरा हो शुरुआत में हो सकता है रक्त की कुछ बूंदे आपको दिखाई दे सकती हैं या फिर कुछ पदार्थ आपका दिख सकता है आपको यहाँ पे तो यहाँ का जो एरिया होता है मुख्यतः इसको साफ करने की बहुत जरूरत होती है इसलिए आप प्यार से ईयरबड की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से भी इस एरिया को आप यहाँ पे साफ कर सकते हैं ठीक है इसको भी साफ करना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए आप इस एरिया को भी यहाँ पे साफ कर सकते हैं अब बात आई किसकी अब बात आई कि जैसे शिशु है तो ह्यूमन नेचर है तो क्या करेगा मलमूत्र करता ही है तो मलमूत्र त्याग करेगा ही ठीक है मलमूत्र त्याग करेगा ही तो इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें ध्यान देने योग्य बातें है कि जो शिशु के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी भी आप अच्छे से सफाई करेंगी ठीक है उनकी भी अच्छे से सफाई करना है अच्छे से उसको दो तीन बार एक दिन में लगभग जितनी बार वो जो है टॉयलेट करे ठीक है तो उन्हें क्या करना है आपको साफ करते रहना है उनकी नैपी आपको बदलते रहना है नैपी आप बार बार बदलते रहें शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ेगा तो जितनी बार भी नैपी गंदी है उतनी बार आपको क्या करना है उसको बदलते रहना है और साथ ही एक चीज जो ध्यान रखेंगे वो ये कि शिशु जो आपकी फर्स्ट पॉटी करता है उसको मैकोनियम कहते हैं क्या बोलते हैं मैकोनियम कहते हैं ये आपके काला पदार्थ होता है काले रंग का होता है काले कलर की होती है शुरू में जो आपकी पहली बार शिशु आपका पॉटी करता है तो उसको मैकोनियम बोलते हैं ये काले रंग का पदार्थ होता है और ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है ठीक है अगर टाइम ज्यादा हो रहा है आपके पहली बार पॉटी नहीं हो रही है तो भी डॉक्टर से संपर्क ले लेना चाहिए पूछ लेना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है ये नहीं कि भैया साफ ना करना पड़े है ना कुछ लोगों का होता है अच्छा ही यह नहीं कर रहा है साफ ना करना पड़े तो ये भी समस्या है तो इसलिए क्या करना है इस, इसलिए अगर नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा ठीक डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा अब हर बार जितनी बार आपका ससु मलमूत्र त्याग करता है आपको प्रॉपर अच्छे से उसको क्या करना है क्लीन करना है ठीक है उसके बम्प को अच्छे से क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं बोरिक एसिड का यहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बोरिक एसिड का इस्तेमाल करके अच्छे से कपड़े से उसको साफ करें कपड़ा लगा करके अच्छे से उसको क्या करना है पूछना है और उसे साफ करना है बोरिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े को साफ करने के लिए और कपड़े से साफ करके आप इसको बोरिक एसिड लगा करके पूरी तरह साफ करके आप उसको नैपी उसकी चेंज कर दीजिए और दूसरी नैपी आप पहना दीजिए ताकि वो सूखी रहे यानी कि गीली नैपी में ही पड़ा है और आप भी आराम से मस्त हैं तो ध्यान देना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों का बार बार जितनी बार नैपी गीली करें उतनी बार आपको नैपी यहाँ पे बदलनी पड़ती है राइट तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी चलिए बात करते हैं शिशु के वजन की जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय जो उसका वजन है वो लगभग कितना होता है लगभग तीन किलोग्राम लगभग तीन किलोग्राम आप कह सकते हैं थ्री के ठीक है लेकिन तीन से ज्यादा भी हो सकता है तीन से आप कह सकते हैं साढ़े तीन तीन से साढ़े तीन किलोग्राम आप देखेंगे शिशु का वजन होता है अब कुछ बच्चों का जो है ढाई किलोग्राम भी होता है कुछ का उससे भी कम होता है कुछ का उससे भी ज्यादा होता है तो ज्यादा का मतलब ज्यादा से ज्यादा चार किलोग्राम होगा सामान्यतः तो अगर हम स्वस्थ शिशु की बात करते हैं तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि तीन से सामान्यतः लगभग एक एवरेज ये है ये तीन से साढ़े तीन किलोग्राम आपका क्या होगा तीन से साढ़े तीन किलोग्राम बच्चे का, बच्चे का वजन होता है ठीक है तीन से साढ़े तीन के जी बच्चे का जो वजन है वो होता है अब बच्चे को आपको अच्छे से नहलाना है नहला करके जैसे मैंने अभी आप आपको बताया कि नहलाना है किस प्रकार से नहलाना है आपने देख लिया नहला करके आपको क्या करना है उसको वजन आपने चेक कर लिया अब उसको नहला धुला करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से कपड़े पहना देने हैं है ना कपड़े पहना देने हैं और कपड़े पहना करके अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आप बहुत आपने सुना होगा कि बच्चों को शुरू शुरू में नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं तो जहाँ पे ऐसे थिंकिंग है कि भाई नए कपड़े बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो यहाँ पे आप उनको कोई पुराना कपड़ा पहना सकते हैं ठीक है कोई पुराना कपड़ा अच्छे से पहना करके और फिर उसका प्यारा सा मुलायम सा बिस्तर तैयार करिए और बिस्तर तैयार करके उस पर उसको आप सुला सकते हैं ठीक है अब ये सारी चीजें तो हो गई भाई लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है ठीक क्या ध्यान में रखनी है वो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि कैसे बच्चे की देखभाल करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जहां से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो ये है कि शिशु का प्रथम आहार क्या होता है प्रथम आहार बहुत लोगों को भूख लगी होगी है ना तो शिशु का भी तो शिशु को भी तो भूख लगती होगी उसका भी तो पेट है उसने अभी अभी जन्म लिया है भूख लगी होगी तो क्या खाएगा क्या पिएगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए तो शिशु का जो प्रथम आहार होता है वो क्या होगा वो माँ का दूध होता है ठीक है क्या होगा वो माँ का दूध होता है ध्यान रखनी होगी यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं वो ये है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको हम क्या कहते हैं तो माँ का जो दूध होता है वो आपका गाढ़े पीले रंग का आप देख सकेंगे गाढ़े पीले रंग का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम बोलते हैं राइट right? ये आप जाएगा, पूछा जा सकता है ये है ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं बोलते हैं कहते हैं नवजात शिशु का जो संपूर्ण आहार है ना वो माँ का दूध ही होता है माँ के दूध को ही संपूर्ण आहार माना गया है क्यों क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो कि एक शिशु के लिए जरूरी होते हैं वो सभी उपलब्ध होते हैं तो माँ का जो शुरू का गाढ़ा पीला दूध होता है उसे उसे हम क्या बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस कोलोस्ट्रम में क्या होगा इस कोलोस्ट्रम में आपके इम्यूनो इस कोलोस्ट्रम में आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन ग्लो ग्लोब्यूलिन इम्यूनग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोबुलस होता है और ठीक है जो कि क्या करेगा जो कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाता है इम्यूनिटी बढ़ाएगा ठीक है बच्चों के शरीर की इम्यूनिटी ये बढ़ाता है इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को राइट right? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है ये आपको यहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और पूछे भी जाते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं जिसमें इम्यून ग्लोब्यूलिन होता है जो कि बच्चे के इम्यूनिटी को बढ़ाता है बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है आपका क्या बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है माँ का दूध लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ को शुरू में दूध नहीं होता है कुछ कारण होता है माँ कमजोर होती है या कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है तो ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में क्या किया जाएगा तो ऐसे में आप बच्चे को जो है शहद पिला सकते हैं या फिर बाहर से दूध अवेलेबल करा करके उस मतलब बाती बना करके रुई की बाती से आप उसको पिला सकते हैं ठीक तो ऐसे में फिर किसी दूसरे उपाय की ही जरूरत होती है लेकिन हमेशा कोशिश यही रहती है कि कम से कम छह महीने तक ठीक है कम से कम लगभग छह महीने तक आप बच्चे को क्या दे लगभग छह महीने तक बच्चे को माँ का ही पहला प्रथम गाढ़ा पीला दूध तो पिलाना ही चाहिए उसके बाद छह महीने तक स्तन पान की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए डॉक्टर भी यही प्रेफर करते हैं कि कम से कम छह महीने तक जो है शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए राइट क्यों पिलाना चाहिए आपको बता दिया भाई इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के लिए बच्चे के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं ठीक है एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच्चे को बचाएंगे ये जो बच्चे को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं तो बच्चे को विभिन्न प्रकार की बहुत सारी बीमारियों से ये क्या करेंगे बचाते हैं इसलिए ये आपका जरूरी होता है तो लगभग 18 से 24 घंटे ठीक 18 से 24 घंटे के, के बीच में ठीक 18 से 24 घंटे के बीच में स्तनपान की प्रक्रिया हो जानी चाहिए 18 से 24 घंटे के बीच ही स्तनपान की जो प्रक्रिया है वो हो जानी चाहिए जो पहला स्तनपान की प्रक्रिया है वो जरूर कम से कम 18 से 24 घंटे के बीच में ही आपकी हो जाए ठीक है तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी चलिए देखते हैं कि हमने आज क्या समझा तो देखिएगा यहाँ पे आज हमने पढ़ा ठीक है आज हमने पढ़ा नवजात शिशु की देखभाल तो आप देखिए नवजात शिशु की जो देखभाल है यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से किस शिशु को नवजात शिशु कहा गया है ठीक है किस शिशु को नवजात शिशु कहा गया हरलॉक ने क्या कहा है कौल सैनिक ने क्या कहा विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है उसके बाद आपने देखा कि नवजात का अर्थ क्या होता है कि जन्म के पश्चात की प्रथम अवस्था ही आपकी नवजात अवस्था कहलाती है और जो शिशु है उसी को हम क्या बोलेंगे उसी को हम नवजात शिशु के नाम से जानते हैं यहाँ पे आपने पॉट्यूनेट और नियोनेट और ये आपका इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद आपने देखा कि इसी को हम क्या बोलते हैं यही जो अवस्था होती है इसे समायोजन की अवस्था कहा जाता है राइट right. इसके बाद आपने पहला जो परीक्षण था उसे आपने जाना जीवित मृत परीक्षण कहते हैं इसको फिर आपने समझा दूसरा परीक्षण जिसे आप नाल छेदन परीक्षण कहते हैं ठीक है जिसे आप नाल छेदन परीक्षण कहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे क्लिप लगा करके यहाँ पे क्लिप लगाई गई है यहाँ पे क्लिप लगाई गई है और ये आपकी क्या है ये आपकी गर्भनाल है और बीच से कैंची की सहायता से इसको काट दिया जा रहा है तो ये आप देख सकते हैं आई होप आपको विजिबल होगा यहाँ पे क्लिप लगी है यहाँ पे क्लिप लगी है और बीच में कैंची की सहायता से इसको काट दिया जाता है इसी को आपका नाभी नाभी नाल काटना कह सकते हैं या फिर नाल छेदन की प्रक्रिया कह सकते हैं फिर आपने देखा कि किस प्रकार से स्नान कराया जा रहा है बच्चे को ठीक है स्नान कराने के बाद आपने देखा कि कैसे अंगों की स्वच्छता की जाती है और फिर आपने मल मूत्र त्याग देखा बच्चे का वजन देख लिया ठीक है फिर यहाँ पे आपने स्नान कराने के किस प्रकार आप प्यार से बच्चे को नहला रहे हैं ये आपने देख लिया फिर यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से मसाज हो रहा है बच्चे के अच्छे से हंस खेल मुस्कुरा रहा है और यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके बच्चे को सुलाया जा रहा है ठीक है अब बच्चा दूध भी पी चुका है माँ का अब आप, आप उसको अच्छे से सुला सकते हैं और आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं और यहाँ भी भी सुना होगा कि वो रात में जगेंगे और दिन में सोएंगे लेकिन ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है उनकी बच्चा जो है वो शुरू में बहुत सोता है तो आपको स्तनपान करा करके उसके बाद उसको लिटा के अच्छे से डकार दिलवाई जाती है बहुत जरूरी होता है जिससे बच्चे के पेट में गैस ना बने अगर कोई एक्स्ट्रा वायु हो सकता है स्तनपान करते समय उसके गले में चली गई है तो वो क्या हो वो निकल जाए तो इसलिए डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है ठीक है बच्चे का डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बाद आप अपने बच्चे को प्यार से सुला सकते हैं ठीक है प्यार से अच्छे से उसको क्या करना है थपकियां देकर के बहुत जल्दी इस टाइम पे शिशु आपके सो भी जाते हैं तो यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे अब एक चीज और समझिए ये तो थे सामान्य बच्चे ठीक ये थे आपके सामान्य बच्चे की सामान्य बच्चे की किस प्रकार से आप देखभाल करते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि आपके 280 दिन पूरे नहीं कर पाते हैं अभी तक हम बात करते हैं मैच्योर बेबी की आप देखते होंगे कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सातवें महीने में जन्म ले लिए छठवें महीने में जन्म ले लिए आठवें महीने में ही जन्म ले लिए तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है ऐसे बच्चे को प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं प्री मैच्योर प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं यानी आपके अभी ये शिशु पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए अगर इसके आधार पर बांटा जाए तो एक आपके मैच्योर बेबी होंगे जिन्हें आप सामान्य मैच्योर यानी कि नॉर्मल बेबी यानी सामान्य शिशु और एक आपके क्या हो गए एक आपके प्री मैच्योर बेबी यानी आपके अपरिपक्व शिशु ठीक है ये क्या हो जाएंगे ये आपके अपरिपक्व हैं अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं परिपक्व हैं, यानी जो इनका नाइन मंथ का पीरियड था इन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया है नाइन मंथ का पीरियड पूरा नहीं किया है 280 दिन का साइकिल इन्होंने पूरा नहीं किया उससे पहले ही इनका जन्म हो चुका है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो एज होती है वो कौन सी होती है वो समायोजन की अवस्था होती है ना तो इनका समायोजन तो और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये तो प्री मेच्योर है इन्होंने तो पहले ही जन्म ले लिया तो इनका समायोजन तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए एक आपने देखा होगा एक सीसा जैसा बॉक्स होता है कभी गए होंगे बच्चों के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा नहीं गए होंगे तो जाकर के रिसर्च कीजिएगा कि एक सीसा जैसा ऐसे होता है इस प्रकार से बंद रहता है इसी में बच्चे को रखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं इनक्यूबेटर

टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर से खुद का टेम्परेचर उसको क्या करना है एक सामंजस्य स्थापित करना है तो इस जो ये सीसा जैसा बना हुआ रहता है इसका जो तापमान होता है वो इतना ही रहता है जिससे आपके शिशु को किसी प्रकार का नुकसान ना हो ऐसे शिशु को आपको लेकर के खिलाने नहीं लगना है ना ही उसके गाल को छूना है ऐसे शिशुओं को संक्रमण की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि बाहर इससे कोई भी कीटाणु आपके शरीर में उसके प्रवेश न कर जाए संक्रमित ना हो जाए बच्चा तो फुल संक्रमण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहता है कि बच्चे संक्रमित ना हो और उनको छूना भी है तो आपको प्रॉपर ग्लब्स वगैरह पहना पहना दिया जाएगा फिर डॉक्टर कहेंगे कि आप उसको छू सकते हैं अच्छे से मुंह पे मास्क वगैरह लगा के ठीक है और यहाँ पे ये जो सीसा जैसा होता है आप देखे होंगे उसको इसका जो तापमान होगा वो कैसा होगा वो बच्चे के शरीर के अकॉर्डिंग ही होगा कि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो आप इनको डायरेक्ट बाहर नहीं रख सकते हैं तो इस वजह से ये शब्द आप ध्यान में रखेंगे इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए जो अपरिपक्व शिशु होते हैं उनके लिए ठीक है साथ ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो आपको समझ में आ गया पहला तापमान नियंत्रण के लिए दूसरा संक्रमण से बचाव के लिए तापमान से नियंत्रण के लिए संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए ताकि आपके शिशु को किसी प्रकार की समस्या ना हो वो अच्छे से सांस ले सके बॉडी उसकी एडजस्ट कर सके इस टेम्परेचर से हमारा जो बाहरी तापमान है उससे तो इसलिए हम इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं आपके प्री मैच्योर बेबी के लिए इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है बच्चे को तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी किसी प्रकार की आपको यहाँ पे समस्या नहीं होगी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ वो डिस्कस करना है अभी हम बात कर रहे थे किसकी हम बात कर रहे थे दुग्ध ग्रंथियों -दुग की यानी कि स्तनपान की तो आपको पता होगा कुछ हार्मोन्स होते हैं राइट जैसे हमने पढ़ा था प्रसव प्रक्रिया तो वहां पे मैंने एक हार्मोन आपको बताया था जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन ठीक है तो यहाँ पे आपको वो भी ध्यान में रखना है हार्मोन होते हैं इसको आप लोग इंडिविजुअल क्लास में भी कई सारे हार्मोन पढ़ेंगे ये जो आप हंस खिलखिला -khil रहे हैं ना हंसने के लिए भी किस कोई ना कोई हार्मोन जिम्मेदार होता है तो उसी तरह से एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन इसको ध्यान में रखिएगा ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है ये आपका ठीक है ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है ये आपका दुग्ध श्रावण में दुग्ध श्राव में मदद करता है ठीक है ये क्या करता है ये आपका दुग्ध श्राव में मदद करता है तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा ये जो आपका यही ऑक्सीटोसिन आपने पढ़ा था याद कीजिए प्रसव प्रक्रिया में ये क्या कर रहा था उस टाइम पे जब ये उस टाइम पे जो है ये क्या कर रहा था गर्भाशय की पेशियों को जो है लचीला बना रहा था और इसी की वजह से अच्छे से आपकी प्रसव प्रक्रिया हो पा रही थी तो यहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है दुग्ध स्राव को और अधिक करता है ठीक है ये क्या करता है दुग्ध स्राव को बढ़ाता है उसमें वृद्धि करता है इस प्रकार से समझिए ठीक है अब दुग्ध स्राव आपने समझ लिया दुग्ध स्राव में वृद्धि आपने समझ ली जो लास्ट आपका पॉइंट ये है कि दुग्ध छुड़ाना ठीक उसको क्या बोला जाता है उसे बोला जाएगा दुग्ध छुड़ाने दु� को वीनिंग ऑफ ठीक है लगभग छ माह बाद छ माह के पश्चात बच्चे का धीरे धीरे क्या करती है माता दुग्ध छुड़ाती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम वीनिंग ऑफ यानी कि स्तन पान छुड़ाना स्तन पान छुड़ाना बाकी और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको यहां पे नहीं देखनी है लगभग नवजात शिशु की जो देखभाल थी उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली ये एक हार्मोन इंपॉर्टेंट था जिससे आपको क्या करना है अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में याद कर लेना है बाकी और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है अब जब हम आपके साथ वन लाइनर सीरीज लेकर के आएंगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रैक्टिस लेकर के आएंगे तो जो भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं वो वहां पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा ऐसे ही हंसते रहिए पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और जरूर आप बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पे ले तो आप अपना कमेंट भी यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर